अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन जयपुर, मंगल आरती सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर भरतपुर राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे के उपकारी है, इनको स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को रमाई स्तुति को धन्य तिन नहीं ते काज सर आज भाई कर जोड़े बारे बारे चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ आठवां लंब कल यहाँ प्रारंभ हुआ, जिसमें जीवंदर कुमार के जीवन को आदर्श बतलाया गया। जीवंदर कुमार का जीवन सच में आदर्श है। नीतिकार बार बार उनके जीवन के विविध पहलुओं को उजागर करते हुए पाठकों के हृदय में यह बात डालने का प्रयास करते हैं, ऐसा जीवन होना चाहिए। कदम कदम पे शिक्षा देते हैं, जीवन हो तो ऐसा, चाहे उनकी विद्वत्ता हो, चाहे उनकी शूरवीरता हो, चाहे उनकी सूझबूझ हो, उनकी समझ, उनका ज्ञान, सब बातों में। अभी तो यहाँ इन्होंने गृहस्थ जीवन की बात की थी, माने पति पत्नी की का जीवन कैसा होना चाहिए, लाइफ स्टाइल किस तरह की होनी चाहिए, अत्यधिक भोग न हो और ऐसा वैरागी भी नहीं हो। तुमने शादी की है तो तुम ऐसे वैरागी कैसे हो सकते हो जैसे मुनि होते हैं, जैसे साधु होते हैं। और भोगों में ही यदि उलझे रहो तो कह रहे राग रूपी समुद्र में डूब जाएगा, तो डूबे नहीं, ये भी सावधानी होनी चाहिए। और किनारे पर रहे इतनी भी खबर हो। तो ये सारी बातें कल तक यहाँ की जा चुकी थी और आज एक और नई चर्चा, माने ससुराल पक्ष का सहज वात्सल्य भाव। ऐसा होता ही है, जमाइयों के प्रति वात्सल्य भाव ससुराल में सहज ही होता है और होना भी चाहिए। कह रहे हैं सासू जी हो तो वात्सल्य भाव होता है, माने सासू जी नहीं हो तो फिर मुश्किल है, भाई भाभी हो तो फिर पता नहीं है, माने फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन क्योंकि माँ बाप है ना, तो विशेष वात्सल्य का कारण बनता है। और जीवंदर कुमार के प्रति भी ये देखो आप, राजा ग्रहण मित्र ने कैसा वात्सल्य भाव प्रकट किया। ये नीतिकार कह रहे सहज ही होता है ऐसा। दो नंबर का श्लोक है, 369 नंबर पेज है। श्याला नाम तत्र वात्सल्यादवासी सुचिरं सुधीर वत्सलेषु च मोहे स्यात् वात्सल्यं हि मनोहरम्। उस हेमाभा नगरी में
बुद्धिमान जीवंधर कुमार अपने सालों के प्रेम से चिरकाल तक स्थित रहे। अभी इसमें सालों के प्रेम से हैं, आप ससुर जी सास की बात मत करो। मैंने ऐसी बात नहीं है कि सास ससुर के मन में ही प्रेम हो, सालों के मन में भी विशेष प्रेम हो सकता है। हाँ, वो जो भी हो, अब आपने अपनी बात कह दी, मैं मेरी बात कहता हूँ, हमारे को बहुत प्रेम है भाई। हाँ, तो ये तो नीतिकार कुछ कह रहे हैं यहाँ। उस हेमाभा नगरी में बुद्धिमान जीवंधर कुमार अपने सालों के प्रेम से चिरकाल तक स्थिर रहे। बहुत प्रेम था। सुनो, प्रेम क्यों नहीं होता? जीवंधर में योग्यता भी जो थी, जीवंधर बेजीजा जी थे जिन्होंने इनको ज्ञान सिखाया था, जिन्होंने इनको धनुर्विद्या सिखाई थी, जिन्होंने इनको शिक्षा में पारंगत किया था। बचपन से अज्ञानी थे, बचपन से ना समझ थे, उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन बहुत उम्र होने के बावजूद भी बुद्धि नहीं थी, बुद्धि का विकास नहीं था। तो जीवंधर कुमार गुरु भी तो हो गए, समझाने वाले भी तो हो गए, शिक्षा देने वाले भी तो हो गए, सही मार्ग पर ले जाने वाले भी तो हो गए, और जिनसे बहुत बातें सीखी हो उनके प्रति महिमा तो आती है, और फिर हमारे कंवर साहब होंगे। देखो, अत्र है नीति। निश्चय से प्रेमियों में मोह हो ही जाता है, क्योंकि प्रेम भाव मन को हरने वाला होता है। ये बहुत सुंदर बात कही है इन्होंने, नीतिकार ने, कि ये जो आपका वात्सल्य और प्रेम है ना, इस वात्सल्य और प्रेम का कारण आपका प्रेम है। आपसे यदि सब प्रेम से बात करते हैं ना, तो इसका कारण ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो, इसका कारण ये भी है कि शायद आप में उनके प्रति भी वात्सल्य भाव है। ये परस्पर चलता है, एक तरफा नहीं होती ये बात। मैंने आपके हृदय में यदि प्रेम भाव होगा, आपके हृदय में यदि वात्सल्य भाव होगा, निश्चय से प्रेमियों में, प्रेम करने वालों में मोह हो ही जाता है। आप प्रेम करो, प्रेम से बात करो। आप देखो, छोटे छोटे बच्चों से आप प्रेम से बात करो, वो आपके आज्ञा में नहीं चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप उन्हें डांट करके, धमका करके चलाने का प्रयास करो, वो नहीं चलेगी। आप जितना प्यार से बात करोगे, क्या तो आप सामने वाले व्यक्ति को अपना बना लोगे। ये इन्होंने नीतिकारों ने नीति दे दी है कि किसी को भी अपना बनाने का फॉर्मूला क्या है, आप प्रीति से बात करो, अपनेपन से बात करो, आपके द्वारा व्यक्त की गई भाषा में प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, तो फिर वो सहज ही मन को हर लेने वाला होता है। देखिए, सरल अर्थ, जीवंधर कुमार ने अपने सालों के वात्सल्य और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण बहुत समय तक हेमाभा नगरी में निवास किया। रहता ही ऐसी कहानी चली आ रही है पीछे से ही, जहाँ जहाँ शादी होती है वहाँ थोड़े समय प्रेम से रहता है। इसने ही जनों से मनुष्य का प्रेम हो ही जाता है, इसने ही जनों से प्रेम हो जाता है। रागी जीवों को वात्सल्य भाव मनोहारी प्रतीत होता ही है। आपको यदि वात्सल्य मिलेगा तो आपका मन वहां रम जाएगा, ऐसा ही होता है। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी स्थान पर, यदि आपको विशेष वात्सल्य मिलता है तो फिर सामने वाले के प्रति आपका प्रेम होगा ही होगा, मन को मोह लेने वाला होता है। देखिए विशेषार्थ, हेमाभा नगरी जीवंधर कुमार की ससुराल बन ही चुकी है, नगरी ससुराल बन गई, ऐसा कहा जाता है। ये तो हमारे गांव के जवाई हैं, राजा के जवाई, आप जवाई जैसे ही हो गए, पूरा नगर उनको जवाई जैसे देखता है।
गाँव में तो बहुत चलता है इस तरह का, अपने जयपुर शहर में भले ना चले लेकिन बाहर गाँव में तो ये तो हमारे जमाई है, ये तो हमारे कंवर साहब है। कितने ही किशनगढ़ वासी मेरे को ये कहते हैं हमारे कंवर साहब है। ये सब कहते हैं इस तरह से। देखो आप, जवाई को ससुराल स्वर्ग जैसा प्रिय लगता है। बात ही क्या कह रहे हैं आज तो क्या भैया, जवाई को ससुराल कैसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी जो आवभगत होती है, उसकी जो मनोहार होती है, उसके प्रति जो सबका चारों तरफ, देखो आप ससुराल के छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके सालियां साले सब घेरे रहेंगे उनको। ये कह रहे हैं ज्यादा टाइम नहीं रहता क्या, वो उन्होंने बतला दिया ना, जब तक सास ससुर है तब तक, सास ससुर का स्वर्गवास हो जाए तो फिर कौन कितना पूछता है, वो बात की बात है। अभी तो जमाई को ससुराल कैसा लगता है, स्वर्ग जैसा प्रिय लगता है। इस कारण जीवंधर कुमार बहुत समय तक वहां रहे, उनके साले भी उनके विद्यार्थी रह चुके थे, तथा वे जीवंधर कुमार के प्रति बहुत स्नेह और वात्सल्य भाव रखते थे एवं उनका आदर सत्कार भी बहुत करते थे। अतः कुमार का उनसे स्नेह होना स्वाभाविक है। रागी जीवों को राग करने के लिए कुछ शिक्षा तो लेनी देनी नहीं पड़ती, राग लेने में राग के लिए, अब रागी जीव है अब राग करने के लिए कोई शिक्षा तो लेनी देनी पड़ती नहीं है। जगत का तो ऐसा ही स्वरूप है, शक्ल देख के राग करने लगते हैं लोग, क्योंकि राग करना तो उनका पर्यायगत स्वभाव बन जाता है रागियों का। राग करना, विकार करना, ये सब पर्यायगत स्वभाव जैसा दिखता है, द्रव्य स्वभाव में तो राग है नहीं, आत्मा के स्वभाव में तो राग है नहीं, मूल वस्तु में जो त्रिकाली द्रव्य है उसमें तो राग का सद्भाव है नहीं, किंतु पर्याय में बोले पर्याय स्वभाव बन गया है। हमें जो चीज अच्छी लगती है सहज ही उसके प्रति राग हो जाता है। आपको डोसे के प्रति राग क्यों है बताओ, आपको पसंद है, आपके मन को मोह लेते और फिर प्रेम से खिलाए आपको, तो फिर तो कहना ही क्या। तो ये रागियों का स्वरूप इसी तरह का है, पर्यायगत स्वभाव है। जहां अनुकूलताएं मिलेगी वहां अच्छा लगेगा, जहां का मौसम अच्छा होगा, जहां का वातावरण अच्छा होगा, जहां सुविधाएं होगी वहां सहज ही मन रमता है। फिर राग करने में बाह्य अनुकूलता का संयोग हो तो राग बढ़ता ही है। राग के वशीभूत जीवंधर कुमार हेमावा नगरी में निवास कर रहे हैं। राग के वशीभूत होकर के कहां निवास कर रहे हैं, हेमावा नाम की नगरी में लंबे समय से रह रहे हैं। अनुकूलता में दीर्घ काल भी क्षण जैसा, अब ये गजब बात कह दी भाई साहब, सुनो, दुख और संकट का काल थोड़ा सा भी काल हो तो बहुत लंबा लगता है, और अनुकूलताओं के जो अच्छे दिन होते हैं वो लंबे समय तक भी हो तो ऐसे लगते हैं अभी बीत गए इतना जल्दी। जैसे प्रवचन अच्छा हो ना तो सामने वाला व्यक्ति कहता है खत्म भी हो गया, टाइम हो गया। मूवी बहुत अच्छी हो खत्म भी हो गई इतनी जल्दी, और चलनी चाहिए थी। मैंने जहां मन रमता है वो समय बहुत जल्दी बीत जाता है, और जहां मन नहीं लग रहा हो वहां एकाध घंटे भी बिताना हो तो ऐसे लगता है जैसे वर्षों बिता रहे हो। जब आप इंतजार कर रहे हो ना तो आपका एक एक पल ऐसा लगता है अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। एक बार ऐसा हुआ था, हम कहीं जा रहे थे तो मुझे माउंट आबू ज्वाइन करना था इसी कार्यक्रम से, वो ऊपर थे और मैं माउंट आबू नीचे था, तो मैं नीचे था तो फोन किया, तो बोले अभी आ रहे हैं, बस क्या करूँगे ऊपर आके। तो मैं नीचे था कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मैं पहुँचा करीब 5 बजे शाम को, 5:30 बजे, और जिसका वो अभी 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 करते हुए 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा करते 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 रात को 11:30 बजे। अब वो एक एक मिनट कैसा लगता है,
हर मिनट ऐसा लगता है हर आने वाली गाड़ी अब आ गए, आधे घंटे बाद फिर फोन किया, बस अब तो निकल ही गए। ऐसा हम कैसा लगता है, मतलब माने जब इंतजार करना हो तो वो समय बीतता ही नहीं है, वो समय ऐसा लगता है जैसे सालों निकल गए हो, ये टाइम ही पूरा नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया, जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के प्रवचन में आकर के बैठ जाए जो बहुत कठिन हो और पहली बार आए हो, तो ऐसा लगता है अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये कब पूरा हो गए ये पूरा ही नहीं हो रहा है, कब पूरा होगा। तो ये सुख के क्षण क्षण मात्र जैसे दिखते हैं, अनुकूलता में दीर्घ काल भी क्षण जैसा लगता है। यह बात यहाँ इस 3 नंबर के श्लोक में आगे कह रहे हैं, देखिए जरा क्या कह रहे हैं। या पितोपि महाकालस्तस्य नोद्वेगमातनोत् वत्सलैः सह संवासे वत्सरो हि क्षणायते। बीते हुए बहुत समय में भी उन जीवंधर कुमार को कुछ भी खेद भाव नहीं किया, माने हो सकता है महीनों रह गए हों तो भी उन्हें ऐसा लगा नहीं कि महीनों निकल गए। निश्चय से प्रिय जनों के साथ रहने में 1 वर्ष भी क्षण के समान बीत जाता है। अनुकूलता है, मान लो पैर में फ्रैक्चर हो गया हो और पैर लटका दिया जाए और बेड रेस्ट पर हो, तो एक एक दिन ऐसे बीतता है जैसे बरसों लगे। बीमारी में बिस्तर पकड़ रखे हो, एक एक दिन टाइम ही पास नहीं होता, करें क्या, समय नहीं निकलता। बुजुर्गों की हालत देखो, वृद्धावस्था में जो लोग हैं बिस्तरों पर पड़े रहते हैं, मेरे तो आदत में है इस तरह का उनके साथ में बैठना, उनसे चर्चा करना, उनके निकट बैठना, उनके मनोभावों को सुनना, उनके अनुभवों को सुनना। तो पता नहीं मुझे बचपन से ही अच्छा लगता है, तो मैं बैठता हूँ कभी तो वो भाव सुनाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, क्या करें बैठे बैठे। और फिर जिनके पास में तत्व ज्ञान नहीं हो उनके तो और बड़ी समस्या है। अभी जिन्हें तत्व ज्ञान है वो कम से कम अपना समय व्यतीत करने के लिए वो प्रवचन सुन लेते हैं, सीडी लगा लेते हैं, पेन ड्राइव में सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सुन लेते हैं, नहीं ये कितनी सुविधा है। लेकिन जिसका उसमें मन नहीं लगता हो अब क्या करें, मतलब रिटायर हो गए, तबीयत खराब हो गई, बिस्तरों में पड़े हैं, प्रवचन में मन लगता नहीं है, अब क्या करें, बोल। वह आंखें जलती है, आंखों से डॉक्टर ने टीवी देखने को मना कर रखा है, नहीं तो टीवी से मन लगाता रहता, अब क्या करें। अब हालत कैसी दिखाई देती है, बहुत कठिन काम है लेकिन बिताते हैं लोग, क्या करें मजबूरी में, क्योंकि मौत तो आपके हाथ में है नहीं। कई किस्से हैं इस तरह के, ऐसे प्रसंग हैं। हमारे जोधपुर वाले उसके दादाजी हरिहंत के दादा ससुर जी 20-25 साल तक बिस्तरों पर पड़े रहे, 25 साल तक, और सुनो आँखों से दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी, और सुनो कान से कुछ सुनाई नहीं देता, आँख से कुछ दिखाई नहीं देता, कान से कुछ सुनाई नहीं देता, और बहुत तेज कोई उनके पास में बोले तो कोई एकाध शब्द कोई कदाचित कुछ पकड़ में आए, ऐसा तब इस तरह। अब लेकिन उनके जो बेटे हैं वो गवे हैं, उन्होंने जो सेवा की उनकी, अभी डेथ हुई मेरे ख्याल से 6-8 साल हो गए, तो जो सेवा की उनकी, एक आवाज़ पर मतलब दौड़े चले आते थे कि उनको टॉयलेट के लिए जाना है, उनको पॉटी के लिए जाना है, उनको खाना खाना है, उनको भूख लग रही है, तो मतलब वो कैसे संभालेंगे उन्हें। एक उदाहरण है, हमारे इंद्र सेन जी थे यहाँ दिल्ली में, 20-25 साल तक कोमा में पड़े रहे, बोला हॉस्पिटल में 20-25 साल तक, ये क्या सोच ही नहीं सकते, 20-25 साल कोमा में हॉस्पिटल में है? हाँ थोड़े समय घर पे, आप जानते हैं थोड़े टाइम घर पे भी रहे थे। अब बोलो आप ऐसी कैसी परिस्थिति बनती है, कौन क्या कर ले, बोलो आप क्या कर सकते,
मुझे बेटे मिले थे अभी थोड़े दिन पहले। माने कितना कठिन काम होता है, समय नहीं बीतता, टाइम नहीं निकलता, लेकिन करो क्या। अब आप पढ़ नहीं सकते हो और आप सुन नहीं सकते हो तो आपका टाइम पास कैसे हो। अच्छा अब इससे उल्टा लगाओ, आपके जो अच्छे दिन हैं ये कब बीत जाते हैं पता नहीं लगता है। टाइम पूरा हो गया, अरे एक साल निकल गया पता ही नहीं लगा। माने सुख शांति से चल रहा था तो एक साल निकल गया पता ही नहीं लगा, और माथे पर संकट आ गया हो, दुनिया भर के कोई केस चल रहे हो, इनकम टैक्स वाले के नोटिस आ गए हो, कहीं इधर उधर झंझटें चल रही, एक एक दिन निकालना भारी होता है। कहते हैं लोग हमने कैसे दिन निकाले हम ही जानते हैं। दिन कैसे निकाले ये जीवंदर कुमार देखो क्या कह रहे हैं। पढ़ लिया ना अपने, निश्चय से प्रियजनों के साथ रहने में एक वर्ष भी क्षण के समान बीत जाता है। वर्ष भी ऐसे बीत जाता है जैसे अभी अभी तो हुआ था, अभी तो था। जैसे देखो आपको उदाहरण बताऊं, दुकान पर बैठे बैठे कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं लगता है। मन लग रहा है ना, ग्राहक आ रहे हैं ना, उनसे पूछो जो दुकान खोल करके बैठे हैं और ग्राहक कोई नहीं आए, वो टाइम ही पास नहीं होता उनका। और शाम होते होते तो दो चार घंटे पहले ही सोचते हैं यार बंद करके चलो कोई आता है। और जिनके माथे पर ग्राहक चढ़े रहते हो उनके क्या स्थिति है। देखो शिष्य साले दो बातें हो गई, शिष्य भी है साले भी है, तथा पत्नी कनकमाला के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, तथापि जीवंदर कुमार को नाम मात्र का भी खेद उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि प्रियजनों के साथ सुखपूर्वक रहने पर वर्षों की कालावधि भी क्षण मात्र जैसी प्रतीत होती है। प्रियजनों के साथ सुखपूर्वक रहने में, और सुनो इस तीन लोक में यदि सबसे कोई प्रिय है ना तो वह है अपना आत्मा, वो सबसे प्रिय है। अरे साहब इतना लंबा टाइम से तो भगवान कैसे बिताते होंगे, सिद्ध भगवान कोई काम नहीं, कहीं घूमना फिरना नहीं, कोई लड्डू खाना नहीं है, कोई मिठाई नहीं, कोई पकवान नहीं, कुछ नहीं, घूमना फिरना नहीं, कोई सावन के झूले नहीं, कोई बरसात नहीं, फिर कैसे टाइम बीतता होगा। क्या करते हैं बैठे रहते हैं, कोई यार दोस्त नहीं, किसी से बात नहीं, कोई खेलना कूदना नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, क्या करते हो, कैसे टाइम बीतता होगा उनका। ये सुनो टाइम कैसे बीतता होगा, उनका टाइम कैसे निकलता है, वो आनंद के क्षण है, क्षण क्षण में वो ऐसे अतिंद्रिय आनंद अनंत सुख का उपभोग करते हैं, उन्हें टाइम बिताना नहीं पड़ता। ये टाइम बिताने की समस्या उनके पास में है जिनको तकलीफ है। जब आनंद के क्षण चल रहे होते हैं तो ये नहीं कहा जाता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूं यार, टाइम ही नहीं बीत रहा, बिताना नहीं पड़ता, बीत जाता है आनंद के क्षण, आनंद है। अरे मुनिराज कैसे रहते होंगे जंगल में, कैसे रहते होंगे कि तुम्हें परिस्थितियां दिखाई दे रही है, उनके अंदर का आनंद कुछ और है, वह आनंद का उपभोग कर रहे हैं। देखो विशेषण, बाह्य अनुकूलता होने पर रागी जीव को दीर्घ काल भी कुछ क्षणों जैसा ही लगता है, लंबा समय हो गया कुछ क्षणों जैसा। इसी कारण स्वर्ग और भोग भूमि में असंख्यात वर्षों का दीर्घ काल कब व्यतीत हो जाता है इसका कुछ पता ही नहीं चलता। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसी बात, सागरों की आयु देवगति के जीवों की अनुकूलताओं में कब बीत जाती है पता ही नहीं लगता है। और सुनो अंत के 6 महीने निकलते ही नहीं है। देवगति के जीव जो होते हैं ना, वो देवगति के जीव हैप्पी, वो देवगति के जीव जब मरने वाले होते हैं तो मरने के 6 महीने पहले उनके गले में स्थित माला मुरझा जाती है, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो जाती है, सब कुछ फीका फीका धुंधला धुंधला सा लगने लगता है, सब कुछ ऐसा हो जाता है अब उदासी सी दिख रही है उनको। मरने के 6 महीने पहले उन्हें नियम से इस बात का पता लग जाता है, मैं स्वर्ग के देवों की बात कर रहा हूं,
मैं भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों की बात कर रहा हूँ, वो जो देव हैं, देवगति के देव हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका नाम सुनने मात्र से आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे अभी उपमा दी थी, जवाई को ससुराल कैसा लगता है? स्वर्ग जैसा, स्वर्ग जैसा। तो स्वर्ग में आनंद है क्या? स्वर्ग में आनंद है क्या? लेकिन स्वर्ग की उपमाएं आनंद के लिए दी जाती है। पूरा जीवन भर आनंद 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 अनुकूलताओं के अंदर बिताया, पेट में दर्द नहीं, दांत में दर्द नहीं, तकलीफ नहीं किसी तरह की, कोई टेंशन नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई कुछ नहीं, घबराहट नहीं, बीमारी नहीं किसी भी तरह की, सर दर्द और पेट दर्द की समस्या नहीं है, घुटने दर्द नहीं होते वहां। तो मानसिक दुख जो होंगे वो तो होंगे, वो अलग मैटर है। अभी देखिए, अंत समय में 6 महीने पहले उन्हें पता लग जाता है कि मैं मर के कहाँ जाने वाला हूँ। किसको पता लगता है? तो वो जी देवों को पता लग गया मर के कहाँ जाने वाले, पता है उनको, वो दृश्य दिखने लगते हैं उनको, ये दिखने लगता है मैं यहाँ से मरकर मध्य लोक में वो जो कुतिया है वहाँ उसके पेट में जन्म लेने वाला, ये दिख रहा है। और सुनो, अकेला नहीं हूँ वहाँ, फ्यूचर दिख रहा है उनको अपना, वहाँ 6-6, 8-8 पेट में एक साथ है, 6-8 एक साथ जन्म लेंगे, भूख की वेदना से तड़पेंगे, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा क्या, और कोई माँ कपड़े से बच्चे की पोटी साफ करके फेंकेगी क्या, और हम 6-8 उस पर भोजन समझ करके लपकेंगे। ये दृश्य उस देवगति के जीव को अंत के 6 महीने में जो दिखाई देते हैं उसको दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। वो 6 महीने अंत के ऐसे हो जाते हैं कि पूरे जीवन भर की जो सागरों की जो आनंद की परिस्थितियां थी उन सब की कसर निकल जाती है। ऐसी परिस्थिति होती है, बीतता नहीं है, टाइम नहीं बीतता है, टाइम नहीं निकलता है, ये देवगति की हालत है। ऐसे बिताए, सिर्फ 6 महीने का काल है, ज्यादा लंबा काल नहीं है। 6 महीने कितने से, सागरों की आयु जिसने बिताई हो उसके लिए 6 महीने कितने से होते हैं? कुछ भी नहीं। 6 महीने में क्या है? जो व्यक्ति सदा काल अनुकूलताओं के बीच में रहा हो, अपने भरे पूरे परिवार के बीच में रहा हो, बोलो, और आज सारा परिवार छोड़ करके चला जाए यात्रा के लिए और कहे 3 दिन आप अकेले ही रहना है आपको यहाँ, तो फिर कैसा लगता है? घर खाने को दौड़ता है, ऐसे ऐसे लगता है मैंने क्या, टाइम ही पास नहीं होता। जिसकी आदत पूरे घर में रहने की है ना, छोटे छोटे 5-7 बच्चे हैं, परिवार है, बेटियां हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, सबके साथ में रहता है, भरा पूरा परिवार दिखाई देता है, हंसते खेलते टाइम निकलता है, अब 3 दिन के लिए चले गए सब, अब कैसा लगता है? मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा, क्या करें? भावना तो ये बताए नहीं जाए, हे भगवान इनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, हे भगवान इनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, हे भगवान ये जाए नहीं, ऐसा ऐसा सोचता रहता है, होता है ऐसा, घर घर की हालत दिखती है। देखो यहाँ बाह्य अनुकूलता होने पर रागी जीव को दीर्घ काल भी कुछ क्षणों जैसा लगता है, इसी कारण स्वर्ग और भूमि में, स्वर्ग का काल, भूमि का काल असंख्यात वर्षों की आयु होती है, भूमि में, स्वर्ग में भी असंख्यात वर्षों की आयु होती है, अनंत वर्ष नहीं है स्वर्ग में भी, सागरों की आयु है, असंख्यात वर्ष है, भूमि के अंदर पल्लियों की आयु है, 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले, टाइम कैसे बीत जाता है, असंख्यात वर्षों का दीर्घ काल कब व्यतीत हो जाता है इसका कुछ पता ही नहीं चलता, मालूम ही नहीं चलता। प्रतिकूलताओं में जीवों को अल्प समय बिताना भी बहुत कठिन लगता है, ये स्थिति है। खैर कोई बात नहीं, जीवंदर कुमार का तो ससुराल में अच्छा समय बीत रहा है। अब देखिए कहानी कुछ और घूमती है, एक नया मोड़ ले रही है कहानी, 18 नंबर की यह उपकथा, इसी 8वें नंबर में 4 नंबर का श्लोक। अपरिचित महिला का जीवंदर कुमार के प्रति स्नेह, क्या करें? देखो आप हालत कैसी है, कदाचित कापि तत्प्रांतम समंदर स्मित आसदत,
मैं सर्विकम ही नारीणाम चेत सम्मोहि चेष्टितम्। लो क्या कह रहे हैं, एक दिन कोई स्त्री उनके समीप कुछ हंसती हुई पहुंची है। क्या जीवंत कुमार के समीप? निश्चय से नीतिकार कह रहे हैं अत्र नीति है। क्या निश्चय से स्त्रियों की चेष्टाएं स्वभाव से ही चित्त को मोहित करने वाली होती है। ऐसा स्वभाव होता है स्त्रियों की, सहज ऐसी वृत्ति होती है, उनकी सर्व चेष्टाएं औरों को मोहित कर लेने वाली होती है। सर्व चेष्टाएं स्वभाव से ही ऐसा दिखाई देता है, ऐसा नीतिकार कह रहे हैं। और यहाँ तो घटना क्या घट गई कि वो हंसती हुई वो उनके समीप पहुंची। देखो फिर क्या हुआ होगा। अभी तो यही कहते हैं, एक समय जीवंधर कुमार अपने महल में अकेले बैठे हुए थे। कहाँ की बात है? हेमाभा नगरी की, जिस नगरी में शादी हुई थी, जहाँ अपनी पत्नी के साथ में रह रहे थे और सुखपूर्वक वर्षों निकल गए थे। अचानक क्या घटना घट गई, एक समय जीवंधर कुमार अपने महल में अकेले बैठे हुए थे, उसी समय अकस्मात एक महिला मंद स्मित करती हुई, स्मित जानते मुस्कुराहट, मंद स्मित करती हुई उनके पास आई। क्योंकि दूसरों के चित्त को आकर्षित करने का प्रयास करना स्त्रियों के क्रियाकलापों में स्वाभाविक होता है। देखो ये नीतिकार जो बात कहते हैं ना, ये नीतिकारों की बात पहले भी कही है मैंने, क्योंकि कई लोगों को सामने बैठे हुए ऑब्जेक्शन होता है, ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा कोई जरूरी है क्या, ऐसा कोई नियम है क्या? ये कोई नियम वाली बात थोड़ी ना है, नियम वाली बात नहीं है, लेकिन 95% 99% ऐसा होता है। नीति का अर्थ ही यही है, नीति का अर्थ कोई नियम नहीं है, नीति का अर्थ कोई अविनाभाव संबंध नहीं है, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की चर्चा नहीं है, हर स्त्री की चर्चा नहीं है, हर पुरुष की चर्चा नहीं है, हर घटना की बात नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में बाहुल्यता से ऐसा होता है, बहुत चांस है, ये बात कहना चाह रहे हैं। ऐसा स्वभाव होता है, कई स्त्रियों का स्वभाव ऐसा भी होता है जो आकर्षित करने वाला नहीं होता, जो दूर भगाने वाला होता है। हर किसी से झगड़ा, हर किसी से झगड़ा है, वो किसी को कोई पसंद ही नहीं, वो दुनिया में कोई पसंद नहीं है, ऐसा भी किसी किसी का नेचर होता है। किसी का नेचर होता है जो वो सिर्फ धन से प्रेम हो, कोई किसी से, कोई किसी से, सबको अपने सब अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। देखिए आप तो भी क्या कह रहे हैं, ये अकस्मात ही क्या है, मुस्कुराती हुई आई और दूसरों के चित्त को आकर्षित करने का प्रयास करना 99% स्त्रियों के क्रियाकलापों में स्वाभाविक होता है, माने सहज ही होता है, कोई जानबूझ करके भी नहीं, सहज ही मन में भाव होता है कि दूसरा व्यक्ति आकर्षित हो। विशेषार्थ ये सजने संवरने की भी जो प्रवृत्ति होती है ना, क्या ये इसी में शामिल है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पुरुषों में ऐसी प्रवृत्ति कम देखी जाती है जैसे स्त्रियों में देखी जाती है। आईने के सामने खड़े होकर के कब आधा पौन घंटा निकल जाए पता ही नहीं लगे क्या। और यहाँ तो एक पैंट को 3-5-7 दिन चल जाती है, कौन बदलेगा, कौन देख रहा है, तो किसको क्या मतलब है। और यहाँ तो सुबह अलग साड़ी पहनी है तो शाम को तो अलग पहननी है, जो सुबह पहनी थी वो शाम तक कैसे पहन सकती, तो कौन देख रहा है। नहीं नहीं तो देखते हैं, देखते तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोग देखें, मैं अच्छी दिखूं, माने ये जो भाव है ये सहज स्त्रियों में देखा जाता है। देख लो आप पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग में सब सब अपने आप समझ रहे हैं, ये बात सबके समझ में आ जाती है, सहज होती है इस तरह की वृत्ति। ये जैसे इन्होंने विशेष अर्थ में कह दी बात, जैसे पानी ढलान की ओर स्वाभाविक गति से जाता है। लो उदाहरण क्या दे रहे हैं, पानी ढलान की ओर जाता है, स्वाभाविक गति से जाता है। दीपक की लौ आकाश की ओर जाती है स्वाभाविक रूप से। कितना पुरुषार्थ होता है भाई साहब, जब पानी नीचे की तरफ बहते हुए उसे ऊपर ले जाना हो,
दादा उदाहरण देते हैं ऐसा, गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक यदि गंगा नदी को ले जाना है तो कितना खर्चा करना पड़ेगा बताओ? ऊपर से हिमालय से जहाँ से गंगा बही है वहां से पानी को कहाँ बंगाल की खाड़ी तक ले जाना है, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन जयपुर, मंगल आरती सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर भरतपुर राजस्थान।